ये बर्फबारी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे हम बिजली की बात करें या चलने फिरने की बात करें तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये हमारी मईशत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शोपियाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का एक एरिया है, तो ये हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जितनी सर्दी होगी, जितनी बर्फ़ पड़ेगी हमारे यहाँ, तो उतना ही फसल जो है उसकी मकदार ज़्यादा होती है। कई महीनों से हमें लग रहा था कि खांसी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हुई है बुज़ुर्गों में, बच्चों में, इवन नौजवानों में भी। तो आज के इस बर्फ़ की वजह से जो ये ड्राई स्पेल था ये ख़त्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में ड्राई स्पेल चल रहा था, लोग बहुत परेशान थे, और अल्लाह का शुक्र है कि जो ये हालिया बर्फबारी हुई है इसमें सब लोगों ने, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर वालों ने बहुत इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि हमारी जो मैशियत है इसी पर मुनहसर है। हाँ, इसमें ये बात आयान है कि इसमें हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसा होते हैं, जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, मगर एक बात है, एक तरीके से हम ये इसको बर्दाश्त इसलिए कर सकते हैं, बर्फबारी से हमारे जो मतलब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर मुनहसर है उनके लिए ये अच्छा।